सोल ने क्या किया था? वीआईपी पास घर पे। टू टाइम इज हियर या क्या हो गया भाई? अब लैन पे क्या हो गया बाकी टीम्स को? सेमीफाइनल में इतनी एग्रेसिव टीम्स थी, इतना परफॉर्मेंस आ रहा था। किसी को ब्लेम तो नहीं करना चाहूंगा बट किसी को कुछ बोल के कुछ होने वाला, अभी कुछ चेंजेस तो होने वाला नहीं है। बीजेएस हो गया, डेस्ट्रो भाई ने अपनी ट्रॉफी उठा ली। मतलब कुछ टीम्स थी जो सेमीफाइनल तक हर मतलब एवरी राउंड एकदम टॉप कर रही थी, तो भाई फाइनल्स में क्या दिक्कत थी? मतलब सबको अच्छा डिवाइस प्रोवाइड किया गया था और मतलब ऑनलाइन तो इंसान कोई बोलता है कि हम एंड्रॉयड पे खेल रहा था, इस पे खेल रहा था, उस पे, यहाँ तो 14 प्रो सबके पास सेम डिवाइस था, तो फिर क्या दिक्कत हो रही थी? टीम TWM को देख लो, उन लोग के परफॉर्मेंस तो कोई चेंजेस नहीं आया, वो लोग जैसा ऑनलाइन खेल रहे थे वैसे ही ऑफलाइन खेला वो लोग ने। बीबी को देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस था। एक्चुअली कैसा होना चाहिए ना, अगर ऑफिशियल इवेंट हो या लैन इवेंट हो तो सेमीफाइनल के बाद तो एटलीस्ट हैंड कैम मैंडेटरी करना चाहिए। अगर कोई, चलो एंटी चीट नहीं प्रोवाइड हो रही है कुछ नहीं, अगर कोई इतना बड़ा इवेंट खेल रहा है तो भाई एक एक्स्ट्रा फोन से हैंड कैम तो रिकॉर्ड कर ही सकता है। जरूरी है कि मायावी से हैंड कैम रिकॉर्ड करवाए अपनी टीम का, पूरी कम्युनिटी मिलके एक टीम के ऊपर बरस जाती है, बाकी जिसको मजे करने होते हैं वो तो करके निकल लेते हैं। चलो हमने मान लिया हमारी टीम का परफॉर्मेंस स्लो था, हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। सोल ने क्या किया था? सोल की तो परफॉर्मिंग लाइनअप थी, इतना सब कुछ अच्छा था भाई, वो भी लैग कर रहे, क्यों ऐसा? हर बार वही टीम्स क्यों जोन में बैठी हुई है? भाई ओवेस को कहीं मत जाने देना भाई, वो तो ओवेस भाई खुद डिसाइड करेंगे। ओवेस भाई रहना चाहे तो रहे, जाना चाहे तो जाए, मतलब जो भी ओवेस का खुद का पर्सनल डिसीजन होगा ना। ओवेस को कोई निकाल सकता है क्या? आप में से कल जो जो BGMI लैन पे आया होगा, मैं आपको बता दूं मेरे पास VIP पास था, उसके बाद भी मैं एक घंटा बाहर धूप में खड़ा हुआ, गेट पे एंट्री नहीं मिल रही थी, बोलते VIP पास घर पे, गेम ऐसा खेलो कि चार लोग तुम्हारी इज्जत ही ना करें।